दोस्तों हमारे पास एक प्रिंटर एप्सन का है जो मॉडल नंबर है L565। ठीक है, इसके अंदर हमें कट प्रिंटिंग आ रही है। इसको अपन क्लीन कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, हेड को हमें खोलना पड़ेगा, ओपन करके हम लोग हेड को फ्लश करेंगे, फ्लश करके फिर चेक करते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं फ्लश ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये कैरेज है। कैरेज को आपको हम खोलेंगे, यहाँ पे स्क्रू है। इसे डंपर कहते हैं, चार डंपर है, इसे खोलना पड़ेगा ऐसे। देखिए डंपर में इंक बहुत कम है, इसके वजह से भी हो सकता है प्रिंटिंग नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे लॉक दिया गया है, इसको यहाँ पे ऐसे हल्का सा बाहर निकाल के इजी से खुलता है। यहाँ पे लॉक है, इसको प्रेस करेंगे, और एक यहाँ पे भी लॉक है, इसको भी प्रेस करके ऐसे निकालेंगे इजी। यहाँ पे तीन स्क्रू है, देखिए हेड के ऊपर, इसको निकालना होगा हमें। अभी से आराम से ऊपर की तरफ करेंगे। ये देखिए, ये हमारा हेड है, इसे आराम से निकालेंगे, निकाल के अब हमें ये हेड को यहाँ पे जो चार दिए गए हैं इसके अंदर से हमें फ्लश करेंगे। तो मेरे पास लिक्विड है, या फिर आप गर्म पानी से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी गर्म पानी ले रहा हूँ, लेके हम फ्लश करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने गर्म पानी लिया है, इसमें अब इसे हेड में फ्लश करेंगे। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सीरिंज से मैंने लिया, अब यहाँ पे मैंने फिट करके और फ्लश किया। देखिए यहाँ पे पूरा बाहर निकल रहा है, ब्लैक इंक थोड़ा सा।
ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने क्लीन किया, ऐसे वन बाय वन करके फ्लश किए, कंप्लीट हो चुका है। अब हेड फिट करेंगे, कैसे करते हैं देख लीजिए। यहाँ पे हेड है, हेड के केबल है, इसको आप प्रॉपरली यहाँ पे फिट करेंगे, इसके अंदर इनपुट करेंगे। देखिए प्रॉपरली करना चाहिए, नहीं तो अगर थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ तो शायद आपका हेड उड़ सकता है और बोर्ड भी उड़ सकता है। अब स्क्रू फिट करेंगे इसके। ठीक है, अब ये फिट करेंगे, साइड का लॉक। अब देखिए, हमने ये डंपर में से ऑयल देखे थे कि बहुत ही कम है, तो हमें इसे फूल करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, यहाँ पे राइट साइड में टैंक है, इसके लॉक निकालेंगे ऐसे सबके। निकाल के सीरिंज से हमें वन बाय वन यहाँ पे जो टैंक है, वन बाय वन इंक निकालेंगे, ब्लैक। ठीक है, निकाल चुके हैं, अभी ये फिट करेंगे अच्छे से। अब इसमें जो निकाले हुए वेस्ट ना हो, इसलिए हम इसमें डाल देंगे रिटर्न। ठीक है, ऐसे वन बाय वन करेंगे। ठीक है, जैसे कि डंपर में हमने इंक खींच लिए, अभी इसको फिट करेंगे। यहाँ पे जो मार्क दिया है उसके हिसाब से अपने को फिट करना है, नहीं तो थोड़ा भी इधर उधर होगा तो शायद पाइप में प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉपरली फिट हुआ है, अब ढक्कन लगाएंगे इसके। स्क्रू फिटिंग